मेरे हाथ में एक निमंत्रण है, स्नेह निमंत्रण पत्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति गाजियाबाद के माध्यम से ये समता आवाज टीवी को मिला है और इसमें प्रथम सामूहिक विवाह समारोह ये समिति कर रही है, जिसमें मुझे बताया गया है कि 5 लड़कियों की शादी का खर्चा समिति स्वयं वहन कर रही है और समिति के अध्यक्ष मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अमन, लगातार कई वर्षों से आप काम कर रहे हो समिति के माध्यम से, क्या सोचा कि ये 5 लड़कियाँ जो गरीब समाज से हैं जिनकी शादी आपकी समिति करवा रही है, क्या है इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, अभी तक जो हम प्रोग्राम करते हैं बुद्ध पूर्णिमा संविधान दिवस का प्रोग्राम, आप देखते रहे हो कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर 2 महीने में देते रहते हैं। अभी लास्ट 21 अगस्त में हमने धमयात्रा का प्रोग्राम दिया था, तो समिति के लोग भी चाहते हैं, समाज के लोग भी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना अब जो गरीब जरूरतमंद बेटियां हैं उनकी शादियों का बीड़ा हम उठाएं और उसको जो समिति जो हमारे जो पूरे तरीके से जो है उसको अच्छे तरीके से, उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमारे माँ बाप नहीं है या हम सक्षम नहीं थे, हम उनकी शादी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से। और ये पहला है, आखिरी नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम देते रहेंगे और देते रहें आगे भी। मैं हूँ अपने सहयोगी पुनीत के साथ और ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आयोजन जो है कार्यक्रम का वो 13 नवंबर को है और जगह है गाजियाबाद के बागू में, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में ये कार्यक्रम होना है। आप में से जो भी साथी उस कार्यक्रम में पहुँचना चाहे, आपका आप तहे दिल से समिति स्वागत करती है। और मैं चाहूँगा कि अमन भी कहें, अमन लोगों से। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस निमंत्रण को आप सभी स्वीकार करें और अधिक से अधिक व्यक्तिगत समझिए और इसमें जो सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और बच्चों को आशीर्वाद दें और उनकी हिम्मत बढ़ाएं और हमारी भी हिम्मत बढ़ाएं कि आगे जो हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम करते रहें और गरीब बच्चों की शादी में जो किसी भी तरीके से कोई भी बाधा ना आए और संगठन सारे संगठन मिलकर जो है ऐसे काम करते रहें। साथियों, ये अमन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति गाजियाबाद रजिस्टर्ड के अध्यक्ष हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में हमारे पास रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, पैन कार्ड नंबर वगैरह मिल जाएंगे तो आप लोगों तक वो मुहैया हम लोग करा देंगे वीडियो के माध्यम से। तो 13 तारीख को, 13 नवंबर को सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम है बागू, गाजियाबाद के बागू में विजयनगर बाईपास पर ये जगह पड़ती है, वहाँ पर आप जाएँ और इन बच्चों को आशीर्वाद जरूर दें। मैं हूँ अपने सहयोगी पुनीत गौतम के साथ गाजियाबाद से इस बड़ी खबर के साथ।